hey guys welcome back to my channel if you have not subscribed please subscribe it press the bell icon. hit the like button also friends as you know i have been covering video regarding hindu newspaper and i have created video regarding the vocabulary also if you have not watched previous video please visit all of that that will boost your confidence regarding competitive exams labors and definitely it would be propitious for your way of speaking because I have implemented this strategy on myself and I got wonderful results. You guys can see. I am able to speak in front of you in a flawless manner. Of course, there is a no pinnacle level in this regard, but we have to tend or we have to assert ourselves towards the perfectness. Then let's get started with the article because today is the first May. And all of you are aware about this first May, this is the day we are celebrating as a इंटरनेशनल लेबर डे एंड इस पर क्या है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है गिलबर्ट तो गिलबर्ट ने एक आर्टिकल मतलब उनकी जो बातें थी उनको एक आर्टिकल फॉर्म में दिया वहदा हिंदू न्यूज़ पेपर में एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर कम्पिटेटिव एग्जाम बिकॉज ये क्वेश्चन बन सकता है और एज़ लाइक वी आर आर वर्किंग एज ए लेबर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मे फास्ट इज़ वाइडली नोन एज दी लेबर डे वाइडली मतलब व्यापक रूप से बहुत लंबे चौड़े स्तर पर डे वी सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर वर्ल्ड वाइड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इनका भूमिका है वर्कर की वर्ल्ड वाइड इट इज़ मोमेंट फॉर प्राइड ये मोमेंट है क्या प्राइड का एंड सेलिब्रेशन एंड होप सेलिब्रेशन उत्सव बनाने का एंड खुशियाँ बनाने होप आशाओं का थ्री ईयर्स आफ्टर दी कोविड नाइन्टीन क्राइसिस फॉलोड बाई इन्फ्लेशन उसके बाद क्या कोविड नाइन्टीन के बाद क्या फॉलोड बाई मतलब उसके बाद क्या आया इन्फ्लेशन महंगाई आई कॉन्फ्लिक्ट आए एन फूड एंड फ्यूल सप्लाई सॉक्स कॉन्फ्लिक्ट आए एन फूड एंड सप्लाई सॉक्स वी बैडलीस दिस तो क्या है हमें क्या है बहुत जरूरत थी क्या बट द प्रोमिस ऑफ द रिन मेड ड्यूरिंग पैंडमिक जो प्रोमिस किया गया था रिन्यूल का दोबारा से पुनः मतलब उत्थान करने का मेड ड्यूरिंग द पैंडमिक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स बैक बेटर तो बिल्डिंग बैक बैटर तो दोबारा से अच्छा बनाएंगे बैक बैटर दोबारा से बनाएंगे हैव सो फार मतलब अब तक हैव सो फार नोट बिन डिलीवर्ड तो नोट बिन डिलीवर्ड मतलब यह क्या है, है? पैसिव फॉर्म में बात की गई बीन डिलीवर्ड मैंने पहले भी बताया कि बीन के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाती है तो मतलब अगर अगर सिंपलीफाई फॉर्म में देखेगी तो बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आना चाहिए जहाँ की वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं बट यहाँ पे क्या है बीन डिलीवर्ड तो ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है जैसे बोलते हैं ना द टास्क इज डन बाय सो एंड सो ऐसे करके एक्टिव एंड पैसिव वाइज अपने पढ़े होंगे एंड फॉर द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स वर्ल्ड वाइड हैव सो फार अब तक क्या, not, not been delivered, क्या? क्या है नॉट बिन डिलीवर्ड इसको डिलीवर नहीं किया फॉर द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ़ द वर्कर वर्ल्ड वाइड की पॉइंट्स क्या कहें ग्लोबली रियल है वो फालन जो मतलब रियल में मेहनता ना मिलता है पैसा मिलता है वो कम हो गया है एंड पोवर्टी इज राइजिंग गरीबी बढ़ रही है इनइवलिटी सीम्स मोर इंट्रेंच देन एवर इंट्रेंच मतलब गड़ी हुई है किसी चीज़ में पहले से ज्यादा गरीबी बढ़ी हुई है इनक्वलिटी बढ़ी हुई, हुई है इंटरप्राइजेज हैव बिन हार्ड हिट जो इंटरप्राइजेज हैं मतलब फैक्ट्रियाँ हैं जो बिजनेस हैं हैव बिन हार्ड हार्ड हिट वही हैव बिन वो बहुत हार्ड हिट हुए हैं एंड मैनी कुड नॉट कोप विद द क्यूमिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ द रिसेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स तो मैनी कुड नॉट कोप मतलब ये क्या है बोतों ने नहीं किया है कुड नहीं है कैन मतलब कैन का सेकंड फॉर्म पास फॉर्म आया है यहाँ पे मैनी कुड नॉट कोप कोप नहीं कर पाए सामंजे से नहीं बैठे पाए विद विद्यूमिलिटी क्यूमिलिटी होता है कलेक्टिव इफेक्ट जो होता है रिसेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुए हैं जो जैसे कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इवेंट्स वाज देयर एंड द एनर्जी क्राइसिस वाज देयर यूक्रेन वार इशू वाज देयर सच टाइप ऑफ इवेंट हैज हैजन दैट्स वाई लाइक मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइज कुड नॉट है विद द क्यूमिलिटिव इफेक्ट रिसेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजे जो स्मॉल या एस एम एस एम हैं वही व पर्टिकुलरली इफेक्टेड ये पर्टिकुलरली विशेष रूप से ये इफेक्टेड हुए हैं एंड मैनीव सीज्ड ऑपरेशन बहुत क्या है ऑपरेशन करना बंद कर दिया है मतलब वो अब ऑपरेट नहीं करते हैं चलते नहीं हुए काम इन ऑर्डर टू सेव ए न्यू मोर स्टेबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड स्टेबल या इक्विटेबल बराबर वर्ल्ड क्या है देर इज ए नीड टू प्रोरटाइज सोशल जस्टिस प्रोरटाइज करना पड़ेगा सोशल जस्टिस को समाज को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और पॉलिसी एंड एक्शन मस्ट बी हुमन सेंटर हमारे आदमियों के सेंटर होने टू अलाउ पीपल परशू बोथ देयर मेटीरियल वेलबिंग एंड देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी तो यह क्या है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए इन कंडीशन फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी इकनॉमिक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टू डू दिस तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको काम करने का इज इज बाई प्रोवाइडिंग क्वालिटी जॉब्स अच्छी जॉब होनी चाहिए क्वालिटी जॉब होनी चाहिए सो so दैट ताकि पीपल कैन सपोर्ट दैम वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें बिल्ड देयर ओन फ्यूचर अपना फ्यूचर बना सकें डिसेंट वर्क फॉर ऑल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट टर्म्स इट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आठ है क्योंकि आपको पता होगा कि हम सत्रह सेवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं जो दो तक हमने अचीव करने की एक प्रण ले रखा है एंड आज उसका उसके लिए भी एक द हिंदू में आर्टिकल छपा था कि हम वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे या क्या हमारे एस्पिरेशन हैं या क्या चल रहा है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आठ में बताया गया है डिसेंट वर्क फॉर ऑल सबके लिए अच्छा काम होना चाहिए इट मीन्स दैट रियलिस्टिकली जो वास्तव में एड्रेसिंग द लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर टाइम इंश्योरिंग दैट न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एंड स्पोर्ट्स एम्प्लॉय जो न्यू टेक्नोलॉजी है क्रिएट्स करती है सपोर्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट को प्रो एक्टिवली फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनश्योरिंग वी ऑफर द जॉब स्किल ट्रेनिंग तो क्या है प्रो एक्टिवली बहुत मतलब एडवांस लेवल पर एक्टिव रहना है फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज एनश्योरिंग वी ऑफर द जॉब स्किल ट्रेनिंग इन ट्रांजिशन स्पोर्ट नेसेसरी फॉर वर्कर्स एंड बिजनेस टू बेनिफिट फॉर द न्यू लो कार्बन इरा ट्रीटिंग डेमोग्राफिक चेंजेस एज डिडेंट रादर दैन द प्रॉब्लम तो लो कार्बन इरा को क्या है ट्रीटिंग करना है ट्रीट करना है डेमोग्राफिक चेंजेस और डेमोग्राफिक चेंज जो है लेके आने हैं मान लो जैसे पॉपुलेशन का यूटिलाइजेशन डेमोग्राफिक चेंज में आता है एज डिविडेंट राधर दैन ई प्रॉब्लम तो हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंट यूज़ करना है रादर दैन ए प्रॉब्लम विद स्पोर्टिंग एक्शन ऑन स्किल्स स्किल्स पे काम करना है माइग्रेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन टू क्रिएट मोर कोहेसिव एंड रेजिलियंट सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है मोर कोहेसिव मतलब सब सामंजस्य होना चाहिए एंड रेजिलियट जो सोसाइटी जो फ्लेक्सीबल होनी चाहिए अनब्रेकेबल चीज़ होनी चाहिए टू मेक ऑल दिस हेपन अगर ऐसा होना चाहिए टू मेक ऑल दिस एपन देखो यहाँ सीखने की बात यह है कि मेक और मेक और गेट वर्ल्ड ऐसे होता है कि टू मेक ऑल दिस हेपन मतलब ऐसा हो मतलब कराने के लिए टू मेक ऑल दिस हेपन वी नीड टू रिकमिट दोबार से कमिटमेंट करना पड़ेगा टू इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड सोलिडेरिटी मतलब भाईचारे की भावना को बढ़ाना पड़ेगा वी मस्ट एनहानस आवर अफर्ट्स एंड क्रिएट ग्रेटर पॉलिसी कोहरेंस तो पॉलिसी कोहरेंस होना चाहिए ना कि मतलब अलग अलग इन साइलो मतलब अलग अलग पॉलिसी नहीं चलनी चाहिए इकट्ठा सभी पॉलिसियों का सामंजस्य बैठना चाहिए देर इज ए नीट ऑफ ग्लोबल कोइलेशन ग्लोबल विश्व स्तर पर क्या है कोयलेशन होना चाहिए फॉर सोशल जस्टिस सामाजिक जो न्याय है उसके लिए दिस कोएलेशन विल क्रिएट ए प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टुगेदर ए ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज एंड स्टेक होल्डर तो बहुत लंबे चौड़े लेवल पे इंटरनेशनल बॉडीज को स्टेक होल्डर को साथ में आएगा इट विल पोजिशन इट विल पोजिशन सोशल जस्टिस एज द की स्टोन ये रखेगा कि जो सामाजिक न्याय है उसको एज ए की स्टोन मतलब आधारभूत नींव रखेगा फॉर द ग्लोबल रिकवरी सो दैट इट इज़ प्रोरिटाइज इन नेशनल रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिसी तो इसको प्रोरिटाइज किया जाए नेशनल लेवल पे रीजनल लेवल लोकल लेवल पे या ग्लोबल पॉलिसी में एनएक्शंस इन सम मतलब टोटल में देखें इट विल इन्श्योर दैट और फ्यूचर इज ह्यूमन सेंटर्ड हमारा फ्यूचर क्या है ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए मानवता हो को हमें प्रियोरिटी देनी चाहिए ये इन्होंने बात कही है बहुत ही सिंपल आर्टिकल था बट यहाँ पर एग्जाम और बहुत ही अच्छा स्टफ़ है और आप एक वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर डीजी कौन है गिलबर्ट है और फर्स्ट मे को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर कोई मतलब आप चाहते हैं कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ इस कंटेंट में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आज के लिए इतना ही बाय